अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ राहील रऊफ। आज हम थे इब्राहिम हैदरी में, दो दिन से पोजीशन आउट है इब्राहिम हैदरी की ना, तो कुछ फ़िश हमने ली थी अपने दोस्तों के लिए, आज हम पे दावत भी हुई थी, तो बना रहे हैं कुछ सालन बनेगा थोड़ा सा हेड्स के, मुलेट फिश है, बोई मछली मुलेट फिश, बहुत ही बेहतरीन। आगे आपको सारे प्रोसीजर बताते हैं किस तरह हमने वॉश की, इसको मैरिनेट किया और अभी हम बनाएंगे और सर्व कर और दोस्तों से पूछ के भी बताएंगे कि कैसी बनी है। दिस इज़ राहील रऊफ, देखते रहें हंटर्स फूड, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राहील रऊफ। आज इब्राहिम हैदरी में इतना काम नहीं था, हमारे दोस्तों की एक दावत थी, तो बोई मछली लाए हैं, ये उसके सर बनाएंगे अलग, बोई मछली, और ये इसके फ्राई पीसेस बनेंगे और सुल्तान लाला को हम खिला कर बताएंगे। ये बोई है, बोई मुलेट, बेहतरीन आज का ताज़ा प्रोडक्ट। ये बोई मछली है, उसके हेड है, इसका हम सालन बनाएंगे फिश करी, और ये हम स्लाइसेस जो हैं बोई मछली के, वो हम फ्राई में इस्तेमाल करेंगे। चलें, और सिकंदर रेन हमारे भाई हमारे फ्राई बनाएंगे और फिश करी बनाऊंगा राहील रऊफ जी। भाई आ रहे हैं, और ये हमारे दोस्त सुल्तान लाला, हाँ फ्राई करने में ना उसका सारा आरख निकल जाता है, ये ताज़ी चीज़ है ना, जैसे शोरबा बन जाए ना तो बस उसके ऊपर रख दो बस, हाँ जब वो हो जाएगा तो फिर लंबा पानी तो हम इसमें छोड़ सकते हैं। नहीं, ये समंदर और उधर का मच्छी का फर्क होता है ना, मगर फिर भी जो है ना ये मच्छी घुल जाती है जल्दी में। मच्छी को ज्यादा चलाई नहीं जाती, इसके पेट में ना हल्का ये काला काला होता है, बस इसको साफ करना पड़ता है। सिकंदर इसमें क्या क्या है? लौंग, दालचीनी, काली मिर्ची, बड़ी इलायची। अब ये देसी, ये अच्छा अदरक लहसुन का पेस्ट है। जैतून होता तो उसमें जायफल भी डालता। जायफल भी डालते हो मछली में? जावित्री भी डालते हैं। और वो तुम वो नहीं डाल रहे हो, क्या बोलते हैं, अजवाइन भी डालते हैं। अजवाइन अजवाइन है नहीं इस वक्त, ये तो मस्ट होता है अजवाइन। अजवाइन से तो टेस्ट उठेगा, अजवाइन ऐसी चीज होती है ना। ये अदरक लहसुन, आप ये अदरक लहसुन हमारा, ये बर्फ लगा हुआ है, अगर ये है कि इसको हम थोड़ा सा माइक्रोवेव में डाल के ना पिघला लेंगे। ये फिश हमारी वॉश हो चुकी है, तैयारी है आज के लिए। थोड़ा सा हम इसमें फिश मसाला भी डालेंगे, ताकि इसमें जो है अपना वो चीज भी होती है, थोड़ा कमर्शियल टेस्ट भी रहे ना, कमर्शियल टेस्ट भी है, और जो कमी बेशी है वो भी पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, है ना। हाँ, जीरा डाला है इसमें तुमने? बिल्कुल। हाँ, जीरा भी कूट के। यार अजवाइन मंगा लो ना इससे। डब्बे में दूध था, ये बाबू लाल ठंडा कर रहा है। अच्छा, ये खाली हो क्या नहीं, तो इसको क्या करूँ मैं ये कर रहा हूँ। अभी मसाले लग चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी ये मसाला लगा कर मैरिनेट करके छोड़ देंगे, एक घंटे बाद बनेगी। उसके बाद हमने जो सर धोए हुए थे अब उसकी तैयारी होगी कि सर कैसे बनाते हैं। और सिकंदर भाई पे है सारा सर का सालन, और ये भी फ्राई फिश पे, तो मुझे इतना वो कॉन्फिडेंस है ना कि उस दिन मुल्ला को भी तुम्हें बगैर नमक के, नमक वाला तुमने बना कर दिया था ना, तो नमक में भी टेस्ट आएगा। कैसे आएगा कि वो ताज़ी चीज़ है, क्योंकि आप गोश्त बनाते हो नमक लगा के, नमकीन वगैरह, तो उसमें भी टेस्ट आता है ना, वो गोश्त का टेस्ट होता है ना।
ये पहले प्याज भुनी जाएगी सालन के लिए ना, प्याज भुन जाएगी तो फिर बताते हैं हम क्या डालते हैं। कढ़ाई हमारी तैयार है फिश फ्राई करने के लिए, सिकंदर रिंद भाई हमारे लगे हुए हैं, ये फिश हेड्स हैं मछली के सर, और मछली ये कोरमा, ये कोरमा भी है, कोरमे को हम प्रमोट नहीं करते। सेकंड स्टेप हमने ये किया है कि इसमें टमाटो प्यूरी मिला दी है, अब इसमें गरम मसाला भी डल गया, लून डलेगा, अच्छा कोई भी मसाला हल्का सा तुमने कौन सा कोरमा डाला है, ये लून नमक डाल रहा है, नमक हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, नमक थोड़ा करो, नमक करो क्योंकि मच्छी में लगा हुआ है। अच्छा हल्दी, ये हल्दी हरी मिर्च नहीं डालोगे? हरी मिर्ची डालेंगे, ये लाल मिर्ची, ये धनिया पाउडर, कंपनी का नाम आता है ना। हाँ, इसमें पानी डालेंगे, पानी ऐड करेंगे और फिर इसमें हम मछली मिला सकेंगे। है हल्का सा पानी डाला तो कैसी ग्रेवी बन गई है। अब इसी ग्रेवी में हम फिश को डालकर थोड़ा सा दम देंगे, फिर उसके बाद पानी और लगेगा, पानी और भी लगेगा ना, जाहिर सी बात है, वरना तो चिपकेगी, ताकि चिपके ना। ये अनीस भाई है हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हिकमत का बहुत शौक है, इंशाल्लाह इनका चैनल भी हम खोलेंगे, हिकमत की बेहतरीन नुस्खे जो खुद पे भी अप्लाई नहीं किए वो भी बताएंगे कॉमेडी के साथ। ये हमारी ग्रेवी बन गई है, व्लॉग बड़ा हो जाएगा भाई, ये ग्रेवी बन गई है, बस इसमें ऐसी फिश पीसेस डाल दिए जाएंगे। मछली डाली गई है, तेल बहुत उबल गया है, तेल उबलेगा, बस छोड़ दो, चमचा नहीं चलाओ, नहीं थोड़ा सा तेल को ठंडा करने के लिए। अच्छा ये हमने सर डाल दिए थे इसमें, अब इसमें सिकंदर क्या करोगे तुम, तुम्हारी रेसिपी क्या है इसमें, पानी बढ़ाओगे और बस, और कुछ धनिया वनिया कुछ भी नहीं? अच्छा कुछ भी नहीं डालोगे, कोई चीज नहीं, अच्छा बस हल्का सा नमक का हम चेक करेंगे कि नमक कैसा है, नहीं तो नमक हम डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते, कम है ना, हल्का सा, हाँ तो बढ़ा लो। ये मछली हमारी हाफ फ्राई हो रही है, हमारी दावत पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सईद भाई हैं, ये नईम भाई बैठे हुए हैं, आमिर भाई बैठे हुए हैं, इरफान भाई हैं, सुल्तान लाला, अनीस भाई, सुई साउथर्न गैस कंपनी के तारिक भाई और जावेद भाई, हमारे दोस्त सलीम भाई के छोटे भाई और यहाँ के ओनर। हमारा सालन तैयार है, बस इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, ज़रा डाल दिए, हाँ दम लगा दूँ ना। मछली हमारी तैयार है बिल्कुल फ्राई, ये पीस निकाल लो, ये हाफ डन की हुई मछली रखी हुई इसने, बिल्कुल नहीं टूटेगी देखिए, हाँ नहीं वो थोड़ा सा ही होता है कि नरम नरम में निकाल रहे होते हैं ना, जैसे कुछ पीस को जैसे चमचे की मार लगती है ना तो उसकी खाल उतर जाती है, वो हो जाता है। ये इधर ही निकाल के रखता हूँ ना, जब एट ए टाइम रखनी है ना, जबरदस्त निकल रहा है ना। हाँ।
हाँ भाई, पहले तासुरात कैसी लगी? तो ले पहले। खाई तो है। सुल्तान लाला बताएंगे। हाँ चलो माशाल्लाह। सिंधी हो वैसे, मछली कैसी लगी आपको? मछली वीआईपी है, वीआईपी है, मछली है के जायकेदार, अच्छी मछली, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ भाई अनीस भाई, कैसी थी फिश? मजा आ गया। सालन में ज्यादा मजा आया या उसमें फ्राई में ज्यादा मजा आया होगा? सालन थोड़ा लाला। हाँ क्या एक्सपीरियंस, आपने तो सदियों से मछली खा रहे होंगे, कहीं 300-400 साल आपकी कितनी, आपकी एज कितनी है? 340? नहीं नहीं अभी तक तो बाबू भाई आप ही बता दें यार, फिश कैसी थी? बहुत फ्रेश पीस थे सारे। चले चले, ये आखिरी वीडियो का आखिरी शॉट है और बाबू बहुत मजा आया, बात कोई बहुत प्यारी चीज है। चले ओके भाई, ताजा ताजा सी बेहतरीन। ओके भाई।